सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। हम जरूर गरीबों वाले करते हैं, लेकिन खुददारी सर से पांव तक भरी है मेरे अंदर। और तुम्हीं ने कहा था ना रंगीली को दो गज दूर रहना, तो अब तुम रंगीली से चार गज दूर रहना। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ सिद्धि, पर है कब से हो गया मैं तुम्हारे लिए? मैं विनायक हूँ, तुम्हारा विनायक, और तुम मेरी सिद्धि। कौन सिद्धि, कैसी सिद्धि? मैं कोई सिद्धि विद्धि नहीं हूँ, रंगीली हूँ, रंगीली हूँ मैं। अगर तुम सिद्धि नहीं हो तो मेरी सिद्धि पुकारने पे तुम मुड़ी क्यों? तुम तो रंगीली हो ना। इंसान के मन की अवस्था कभी उससे जुड़ नहीं गई। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर पल ये एहसास होता है कि सिद्धि मेरे आसपास है, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं। इतना सन की खानदान आज तक नहीं देखा रंगीली ने। एक से एक बढ़ के पगलेट भरे हुए तुम्हारे परिवार में। हाँ, मैं रंगीली सिद्धि नहीं, और ये बात अपने भेजे में अच्छे से बिठा, और छोड़ो मेरा पीछा, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सच तो ये सिद्धि कि तुम्हें कभी झूठ बोलना आया ही नहीं। तुम भली जितना मर्जी झूठ बोल लो, पर मैंने तुम्हारी आंखों में सच देख लिया है। हो ना हो तुम मेरी सिद्धि हो, पर पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हूँ मुझसे। पर बहुत जल्द तुम्हारा विनायक तुम्हें सच बोलने पे और सच मानने पे मजबूर कर देगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इससे पहले कि विनायक को हमारा सच पता चले, हमें विनायक का सच पता लगाना होगा। बस बस बस, सदा सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। बड़ी प्यारी लग रही हो, किसकी नजर ना लग जाए। बुआ जी, मैं आपके कहने पे इस पूजा में तो आ गया, पर ये पूजा हो किस चीज के लिए रही? अरे विनू, आज हरतालिका तीज है ना, तो माया ने व्रत रखा है और बस उसी की पूजा है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत किया था, और इसीलिए हमने भी ये व्रत अपने पति को पाने के लिए रखा है, ताकि हमें भी आप जैसा पति मिल सके।
अरे माया, इस जैसा क्यों, यही क्यों नहीं? बुआ जी आप। अरे बिन्नू देखो, सिद्धि तो अब इस दुनिया में रही नहीं, तो हमें लगता है कि तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होगे। हाँ बुआ, ये क्या कह रहे हो आप? विनायक भाई सिर्फ सिद्धि भाभी के हैं और उन्हीं के रहेंगे। चुप कर जिग्गी, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे अब सिद्धि के जाने के बाद तू क्या चाहती है कि हमारा विनू हमेशा कुआरा बैठा रहे? बुआ जी आप। हाय विनायक। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय गाइस, तुम सब यहाँ पे? डोंट वरी यार, हम यहाँ पार्टी वार्टी नहीं करने हैं, इनफैक्ट हम तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आए हैं। हाँ यार, अंशिका ने ना मुझे कॉल करके बताया था वो सब, उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ यार, हमने बेकार में ही तेरा नाम माया के साथ जोड़ दिया, बट यू नो वॉट, अब हमें पता चल गया है कि तुम माया से नहीं बल्कि हम में से किसी एक से शादी करना चाहता है। क्या? किसने कहा तुमसे? की मैंने। मैं जरा विस्तार में समझाती हूँ तुमको बाबू। अरे बहनों जरा जरा साइड हो जाओ, जरा साइड, थोड़ा सा। अरे बाबू, ये सब अपना अपना रिश्ता लेकर आई है तुम्हारे लिए। क्या हुआ, भूल गए? नाम है रंगीली, जबान है कटीली, काम करते हैं फटाफट, हिसाब रखते हैं चकाचक। किस्सा शुरू से सुनाए, सीधा मुद्दे पे आए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। सीधा मुद्दे पे आओ, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, और इनकी हिम्मत कैसी हो यहाँ पे आने की, और इन्हें बुलाया किसने यहाँ पे? अरे गोरी मेम, एक सांस में 36 सवाल पूछोगी तो जवाब कैसे देंगे? अरे इनमें से कोई लड़की तुम्हारे बाबू का उछड़ा हुआ घर बसा दे तो तुम्हारे यहाँ तुम्हें मरोड़ क्यों उठ रहा है? हाय हाय हाय, तो तू ये कहना चाहती है कि तू इस घर में हमारे विन्नू का स्वयंवर रचाएगी? हाँ क्या बात है, मेकअप की दुकान, पहली बार कोई ढंग की बात एक झटके में समझी हो तुम। लेकिन हम ये पूछते हैं कि इन सबको यहाँ बुलाया किसने? हाँ कि कैसे मुंह उठा के यहाँ चली आई है? ऐसे बाबू के फोन ने किया ये चमत्कार, ये देखो। ये सब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे कैसे पोस्ट हुआ? विनू क्या लिखा है, हमें भी तो देखने दे। अरे मेकअप की दुकान, काहे अपनी आंखों को तकलीफ दे रही हो, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा है, मैं विनायक पांडे, जया क्रिएशन का मालिक और एक लौटा वारिस, अपने लिए एक सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? मैंने ऐसा कुछ पोस्ट नहीं किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। अरे बाबू, मैंने कब कहा कि तूने पोस्ट किया? तो फिर किसने की हरकत? क्या हुआ, नहीं समझे? ये सब किया है आप सब की प्यारी फॉन एंड ओनली रंगीली ने। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनायक के सोशल मीडिया के साथ छेड़छाड़ करने की? तुम्हें मोबाइल पर इतना सब कुछ करने कैसे आता है? एक मामूली नौकरानी होकर इतना सब कुछ कैसे जानती हो तुम? अरे गोरी मैम, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? अब फोन कोई हवाई जहाज थोड़े ना है जो रंगीली को चलाना ना आता हो। काम जरूर नौकरानी का करते हैं, पर ई कब कहा कि हमने पढ़ाई लिखाई ना ही की है? और रही बात फोन की, तो वो तो आजकल दुई दुई साल के बच्चे भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे पैदा ही फोन के साथ हुए हो। हाय हाय हाय, वन एंड ओनली रंगीली, हमें जरा एक बात बताओ कि तुम्हारे पास हमारे विन्नू का फोन आया कहाँ से?
हमें लगता है तुमने चोरी किया है, है ना? ए मेकअप की दुकान, चोरी करने की आदत नहीं है रंगीली को। और भूल गई, निशा बहू का हार भी तुम्हारे कमरे में ही मिला था। बहुत हुआ मजाक, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो बात यूं हुई कि सफाई करते करते ये फोन हमें मिला बाबू के कमरे में। तो मैंने सोचा कि आप सब तो करोगे नहीं, तो मैंने ही लिख दिया आप सबकी तरफ से ये स्वयंवर संदेश। लेकिन क्यों तुमने इतना बड़ा कदम किसी से पूछे बिना क्यों उठाया? अरे गोरी मैम, अच्छा कदम उठाने से पहले किसी से पूछने की जरूरत ना ही होती। अब बाबू की हालत भी तो देखो ना, देवदास का अवतार बना के यहाँ वहाँ घूमते रहते। और तुम्हें पता है मुझे अपनी सिद्धि समझ के मेरे आस पास मंडराने में लगे रहते हैं दिन भर। बस इसीलिए रच दिया ये स्वयंवर। क्या हुआ बाबू, काहे सर मारे? देखने में तो आसिक और रंगीन मिसाज के लगते हो, तो काहे का सर माना? बताओ करोगे दूसरा ब्याह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ना गोरी में हाथ उठाना गलत बात होती है, उम्र में बड़ी है रंगीली तुमसे। अब इज्जत चाहिए तो इज्जत से बात भी करना सीखो। और तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कोई स्वयंवर नहीं हो रहा है। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। एक मिनट माया, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस स्वयंवर और इस शादी के लिए तैयार हूं। ये क्या बोल रहे हैं आप विनायक? वही जो तुमने सुना माया, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं, वो भी इन्हीं में से एक लड़की से। अजीब आदमी है, इसे तो पड़ी ही नहीं है सिद्धि की। खामखा नाटक करता है उससे प्यार करने का, पर असल में एक नंबर का रंगीन मिजाज का है। लड़कियां देखते ही पांव फिसलने लगे इसके। एक झटके में तैयार हो गया दूसरी शादी करने की। क्या करूं सिद्धि, तुमने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं मेरे पास। तुम्हारे चेहरे की ये जलन बता रही है कि तुम कोई और नहीं, मेरी ही सिद्धि हो। और ये खेल तुम जानबूझ के खेल रही हो मेरे साथ, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे खेल में घुसकर तुम्हें जीतूंगा। नौकरानी ने जीना मुश्किल कर रखा है हमारा। आपसे ज्यादा हर चीज में घुसी जा रही है ये। इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये जानती नहीं है माया की माया को। अभी जो अपनी बहन को पहाड़ी से धक्का दिलाकर मरवा सकती है, वो तेरे साथ क्या करेगी तू सोच भी नहीं सकती। लेकिन
लेकिन इस स्वयंवर में हमें करना क्या है? बताते हैं, बताते हैं। ये लड्डू जो तुम्हारे सामने रखे हैं ना, ये सब तुम्हारे नाम का है। अब तुम लोगों को एक एक करके सामने आके खड़े होना है और मैं जो गाना बोलूंगी उसी के दिल में सीटी बजा के सुनाना है। और जिसकी भी सीटी बाबू को पसंद आएगी वो होगा स्वयंवर का विजेता। और वो लड़की ई लड्डू बाबू को खिलाएगी और फिर वो लड़की और बाबू मिलके ई केक भी काटेगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वाओ, मजा आएगा इसमें। ये तो और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अब हमको सीटी की धुन से पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी जो उस दिन विनायक के साथ थी। तो बाबू का स्वयंवर शुरू होता है अब। हाय, तो कोई नहीं है वो लड़की। ये प्लान भी फेल हो गया हमारा। अब कहाँ ढूंढेंगे हम उस लड़की को? अरे विन्नू, अरे हट ना। बेटा क्या हुआ, तुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई? खैर सच कहूं तो इनमें से एक भी लड़की माया जैसी नहीं है। बुआ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किससे शादी करूंगा। मैंने फैसला लिया कि मैं अंशिका से शादी करूंगा। रुको रंगीली, क्या बात है? लगता है तुम्हें मेरी पसंद ज्यादा पसंद नहीं है, है ना? मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी पसंद से। तुम्हें जिससे शादी करनी है कर, मैं तुमसे 4 गज की दूरी रखने वाली हूं। तुम्हारे गुस्से ने मुझे पहले से भी ज्यादा यकीन दिला दिया है कि तुम सिद्धी हो और कोई नहीं, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो अपने पति को दूसरी औरत के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखना मैं क्या करता हूँ, ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम्हें खुद सबके सामने आके अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। एक तो वो लड़की नहीं मिली, ऊपर से बिना उस लड़की से ऐसे चिपक रहे थे जैसे आज से पहले कोई लड़की ना देखी हो। क्या कर सकते हैं आप?
पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। जो करना है करो, हम सब संभाल लेंगे, पर ये रंगीले की बच्ची, इसे घर से निकालना होगा। जब से आई है हमारे हर प्लान की ऐसी की तैसी किए जा रही है। हमें अपने विनायक के पास ही नहीं जाने दे रही है। तुम्हें जो करना है वो करो, पर बचनी नहीं चाहिए वो। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी माया, मैं विनायक भाई का मास्क लगा के जाऊंगा और उस रंगीली को ऐसा खेल दिखाऊंगा कि वो अपने ही खेल से खुद बाहर हो जाएगी। ठीक है, रंगीली मेरे कब्जे में है बॉस रेडी। बहुत शौक है ना इसे हमारे मामले में टांग अड़ाने का। आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा मैं। हमें हमारे विनायक से अलग करना चाहती थी, अब अपनी जिंदगी से अलग होना पड़ेगा बेचारी को। ये डॉक्टर हमें क्यों कॉल कर रही है? हेलो। हाँ हेलो, एक जरूरी बात बतानी है आपको। एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आई थी मेरे पास, इंक्वायरी कर रही थी कि किसके कहने पे मैंने सिद्धि की प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट्स बनाई थी। क्या? मैं सीसीटीवी फुटेज से स्क्रीनशॉट लेके उसकी फोटो भेज रही हूँ, देख लीजिए और प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए। बाय। ये क्या कर रहे हो बाबू? क्या है, मैं मारना चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को जलाना चाहता हूँ मैं इस तेजाब से। बहुत परेशान किया तुमने मुझे, थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए तुम्हें भी। बाहर तो बड़े खुश हो रहे थे उस लड़की के साथ, यहाँ हम ही पे गुस्सा कर रहे हैं। क्यों रंगीली को मार के इन्हें क्या मिलेगा? और हमें इनके छूने से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हाथ विनायक के नहीं किसी और के? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.